कानपुर की स्वच्छता पे गंगा की स्वच्छता क्या फर्क पड़ेगा इसको? देखिए, ये जो गंगा नदी में जितने नाले गिरते हैं उसमें जो शीशामऊ नाला था एक अपने आप में एक ऐसा नाला था जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिस्चार्ज था 140 एमएलडी का डिस्चार्ज था। इसको दो फेज में बंद किया, 80 एमएलडी और 60 एमएलडी। और अब जब ये टैप हो गया तो निश्चित रूप से जो गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषित पानी जिस नाले से ज़्यादा था वो प्रदूषण समाप्त हुआ है। नगर निगम की हम लोगों की एक जो जिम्मेदारी है कि किसी भी माध्यम से गंगा नदी में सॉलिड वेस्ट न जाए, तो हम लोग जैसे ही जब नाला टैप हो गया तो नाले के माध्यम से ही जो जाता था उस पर भी अंकुश लग गया। तो अब जो नदी है उस नदी में कोई भी कूड़ा करकट कचरा सॉलिड वेस्ट नहीं जाएगा, नदी स्वच्छ होगी, निर्मल होगी और जो नमामि गंगे का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो इससे शहर की स्वच्छता या नदी की स्वच्छता दोनों पे आप देखिए बहुत बड़ा आपको एक विजिबल इम्पैक्ट दिखाई देगा और इसके साथ ही साथ लोगों में भी एक जागरूकता आएगी। और हमें लगता है कि एक काफ़ी मुश्किल भरा काम था ये और काफ़ी मेहनत के बाद और एक लंबी कवायद के बाद इस नाले को टैप किया जा सका है। तो हमें लगता है कि इससे स्वच्छता में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, चाहे वो शहर की स्वच्छता हो चाहे वो नदी की स्वच्छता। सर, आप निरीक्षण करने निकले होंगे, किन किन पॉइंटों वगैरह देखा नाले के बारे में, क्या क्या देखा? हमने ओवरऑल हम लोगों ने पूरी समीक्षा की। कानपुर शहर में 16 नाले हैं जो गंगा नदी में गिरते हैं, तो 16 में अब आज की डेट में 8 नाले टैप हो चुके हैं। बाकी कुछ नाले ऐसे हैं जो बायो रिमीडिएशन के लिए चिन्हित हैं, 2 नाले हैं जो अंडर टैपिंग के प्रोसेस में हैं और वो भी शीघ्र हो जाएंगे। महाकुंभ के दृष्टिगत ये आवश्यक था कि गंगा जी में पानी जो हो निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो और उसी की अंतर्गत ये कवायद चलेगी। 15 दिसंबर तक हम लोग इस तरह की व्यवस्था कर ले कि गंगा नदी में जो भी पानी जाए वो ट्रीटेड वाटर जाए, शुद्ध पानी जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की नदी के प्रदूषण की समस्या ना हो। तो हम लोग निरंतर इसको वाच कर रहे हैं। आज भी जो ये शीशामऊ नाले के जितने भी पॉइंट्स हैं आज हमने देखा है और काफ़ी जो हम कहें कि एक सफलता हम मिली है जो यहाँ की टीम जिन लोगों ने काम किया है और इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। अभी 4-5 दिन आने वाला ये क्रूशियल होगा जिसमें यदि कहीं पर कोई कमी होगी या और भी कहीं कोई पॉइंट आता है तो डिटेक्ट होगा। तो ये 3-4 दिन एक हम लोगों के लिए और सभी के लिए एक ऐसा समय है जो एक ऑब्जर्वेशन का टाइम है जिसमें हमें देखना है कि कहीं पर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हमें दूर करने का प्रयास करना है।